are now unmuted. Okay, good evening everyone. So I hope I'm audible to all of you. Yes, so I can see Divya is there, Chelsea is there, Ishika Gard, Kritika and Ravneet Kaur. So am I audible to all of you? Okay, that's all right. Okay, thank you so much. So today, like, it is going to be a continuation class, and we are going to continue the topic that we were reading earlier. Okay, so this is not a fresh class. I mean, like, people who are joining this particular class, they should watch our previous class first, and only then this class is going to make sense. Okay. अगर आपने इससे पहले वाला क्लास जस्ट इससे पहले वाला क्लास अटेंड नहीं किया है तो आपको उस क्लास को भी अटेंड करना चाहिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्लास. ठीक है, दोनों क्लास कॉन्टिन्यूएशन है. आज जो है, लाइक, हम लेटर पोर्शन ऑफ जैनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने जैनिज्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस किया था. आज उसके बाद वाले जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, एंड इसके बाद वी आर गोइंग टू कवर टू मोर स्कूल्स ऑफ फिलोसफी. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर ऑल्सो हेट्रोडॉक्स स्कूल्स ऑफ फिलोसफी. ठीक है, वो दोनों भी हम कवर करने वाले हैं. सो लेट अस सी द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है, इससे पहले कि मैं लेक्चर को कॉन्टिन्यू करूँ, लाइक यू नो फ्रॉम अ फ्रेश परस्पेक्टिव, मैं आपको आई विल टेक यू थ्रू वॉट एवर वी हैव लर्न्ड अर्लियर. ठीक है, जो भी चीज़ें हमने इससे पहले पढ़ाई की है, मैं आपको वो सारी चीज़ें एक बार मतलब लाइक रिवाइज करवाऊंगा विद इन यू नो अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 10 to 15 minutes, एंड आफ्टर देन वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन टू फिनिश जैनिज्म टुडे. ओके, सो आज जो है एकदम फ्रेश टॉपिक नहीं होने वाला है. इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी फ्रेश टॉपिक, इट्स जस्ट अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द टॉपिक्स दैट वी हैव लर्न अर्लियर. ओके, सो दिस इज द थिंग. And before this, I just want to know from you guys, okay, one thing, like, do you want a new topic, fresh topic to be covered, or you want the remaining topic to be covered? Because I had already, you know, shared the PPT with you, and I had already discussed the most important part. Okay, the remaining things. Okay. Remaining topics. Okay, remaining topics of the same lecture, right? Jainism. Yes. Okay, Divya is also saying remaining topics. Chelsea is saying remaining topics. Okay, that's all right. जो इसके बचे हुए portion है जैनिज्म का वो आज हम cover करेंगे. And इसके अलावा मतलब कल हम fresh topic लेंगे. Tomorrow we are going to cover two topics in a day. Okay? So with that, heterodox schools of philosophy will be covered. So थोड़ा सा हम revise करते हैं. Let us quickly revise the things that we have discussed earlier. तो हमने क्या discuss किया था जैनिज्म में? हमने ये डिस्कस किया था कि जैनिज्म ने वेदों की अथॉरिटी को डिनाई किया था. ठीक है, सो जैनिज्म रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, वेदिक रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, एंड दे डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. उन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं किया. ठीक है, और उन्होंने बिलीव किया कि जो सोल होता है, जो आत्मा होती है, उनका ट्रांसमाइग्रेशन होता है. इसका मतलब यह है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा जाती है जब एक इंसान की डेथ हो जाती है. ठीक है, तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल पे वो बिलीव करते थे. लेकिन जो वर्धमान महावीरा है, उन्होंने वर्णा सिस्टम को कंडेम नहीं किया. वर्णा सिस्टम क्या था? ये वेदों में से लिया गया था. वर्णा सिस्टम, सोसाइटी कितने वर्ण में डिवाइडेड थी? In how many varnas was the society divided? Divya, can you answer this question? In how many varnas was the society divided during the Vedic period? Okay, Swati Giri has answered. Swati has answered four varna. ठीक है, चार वर्ण सिस्टम होते थे. उसमें सबसे ऊपर होते थे ब्राह्मण्स, उसके बाद क्षत्रियास, उसके बाद वैश्यास, उसके बाद शूद्रास. ये सारे चार वर्णों में सोसाइटी डिवाइडेड होती थी. ठीक है, तो वर्धमान महावीरा ने मतलब कंडेम नहीं किया था वर्णा सिस्टम को. ठीक है, और वर्धमान महावीरा के अकॉर्डिंग एक इंसान जो लोअर वर्णा सिस्टम में अगर किसी की बर्थ होती है, वो इसीलिए होता है क्योंकि उसने अपने
पुनर्जन्म है, मतलब इससे पहले वाले जो जन्म था उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया हुआ है, कुछ यू नो गलत काम किया है, इसलिए ही इज बॉर्न इन टू द लोअर वर्णास नाउ। ठीक है, तो वर्तमान महावीरा वर्णा सिस्टम पे बिलीव करते थे, ठीक है, और जैनिज्म बहुत ज्यादा इक्वालिटी पे बिलीव करते थे, एंड दे प्रोहिबिटेड नॉट ओनली वॉर बट एग्रीकल्चर ऑल्सो, क्योंकि उनका मानना था कि हर चीज के अंदर प्राण होता है, एवरीथिंग हैज सोल। ठीक है, और अल्टीमेट गोल क्या था जैनिज्म का, अल्टीमेट गोल वॉज टू अटेन द फ्रीडम, ओके, अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द वर्ल्डली बॉन्ड्स, जो संसारिक जो बॉन्ड है उससे हमें फ्रीडम अटेन करना है, दैट वॉज द अल्टीमेट एम ऑफ जैनिज्म। और जैनिज्म में तीर्थांकर्स होते हैं, तीर्थांकर्स आर द ग्रेट टीचर्स इन जैनिज्म। ठीक है, तीर्थांकर वो लोग होते हैं जिनको कैवल्या ज्ञान प्राप्त होता है, तीर्थांकर्स आर दोज पीपल हु हैव अटेंड द ओमनी साइंस, ओमनी साइंस मीन्स नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, द अल्टीमेट विजडम, ओके, दीज आर द पीपल हु हैव अटेंड कैवल्या ज्ञान। ठीक है, तीर्थांकर्स वो होते हैं जिनको कैवल्या ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी होती है। ऐसे जैनिज्म में 24 तीर्थांकर्स है, देर आर 24 ग्रेट टीचर्स इन जैनिज्म। सबसे पहले तीर्थांकर का नाम क्या है, उनका नाम है ऋषभदेव, ओके, सो द फर्स्ट तीर्थांकर इन जैनिज्म इज नोन एज ऋषभदेव, ओके, द 23rd तीर्थांकर ऑफ जैनिज्म इज नोन एज पारसनाथ, ओके, पारसनाथ इज सेड टू हैव बॉर्न इन वाराणसी। Then the last Tirthankar of Jainism, which is 24th Tirthankar of Jainism, his name is Vardhaman Mahavira, okay? And he is considered as the real founder of Jainism, ठीक है? आज जो हम कर रहे हैं, हम एक तो revision कर रहे हैं Jainism का, क्योंकि last class हमारा, I guess it happened on Friday, so it's been 2-3 days. जिन लोगों ने रिवाइज नहीं किया, इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर दोज पीपल, और जिन्होंने रिवाइज किया उनके लिए मतलब लाइक इट इज गोइंग टू बी एन एडिशनल रिवीजन, ताकि आप भूलो नहीं। ठीक है, एंड इसके बाद हम पहले रिवीजन करेंगे जो चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आफ्टर देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कवर द रिमेनिंग टॉपिक्स। ठीक है, क्विकली मैं रिवाइज कर रहा हूँ, कंसिडरिंग दैट यू हैड ऑलरेडी अटेंडेड द प्रीवियस क्लास। ठीक है, आपने अगर इससे पहले वाला क्लास अटेंड किया है, देन यू विल बी एबल टू मेक द सेंस एंड रिविजन विल बी क्विकर। ठीक है, हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले रिविजन के टाइम पे। ठीक है, तो तीर्थांकर्स कितने थे, देर वर 24 तीर्थांकर्स इन जैनिज्म। फर्स्ट तीर्थांकर का नाम है ऋषभदेव, 23rd तीर्थांकर का नाम है पारसनाथ, देन 24th तीर्थांकर का नाम है वर्धमान महावीर। ठीक है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको ये लिस्ट भी डिस्कस किया था, आपके साथ शेयर किया है मैंने, ये 24 तीर्थांकर्स है। ठीक है, हर तीर्थांकर को किसी ना किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता था, ओके, एवरी तीर्थांकर वॉज रिप्रेजेंटेड यूजिंग सम सिंबल। फॉर एग्जाम्पल, ऋषभ देवा हु इज द फर्स्ट तीर्थांकर, ही वॉज रिप्रेजेंटेड यूजिंग बुल, ओके, सिमिलरली पारसनाथ, ओके, द 23rd तीर्थांकर, ही वॉज रिप्रेजेंटेड विद कोबरा, ओके, कोबरा इज अ यू नो इज अ स्पीशी ऑफ स्नेक। देन 24th तीर्थांकर इज वर्धमान महावीरा, he was represented with lion, okay, और ये जो है मतलब लाइक तीर्थांकर्स के नाम पहले लिस्ट में जो पहला वाला लाइन है इसमें 12 तीर्थांकर के नाम लिखे हुए हैं, इसके पास वाला जो कॉलम है इसमें वो 12 सिंबल्स लिखे हुए हैं जिनके साथ इन तीर्थांकर को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, जिनके साथ इन तीर्थांकर को रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड ये जो थर्ड लाइन है इसमें बाकी जो 12 तीर्थांकर है मतलब लाइक 13-24 उनके नाम लिखे हुए हैं, एंड उसके बाद वो सिंबल्स लिखे हुए हैं जिनसे उन तीर्थांकरों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आदर्श ने पूछा इनमें से इम्पॉर्टेंट कौन कौन है, सर इनमें से सबसे पहले वाले इम्पॉर्टेंट है एंड लास्ट के दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले वाले एंड लास्ट के दोनों मतलब फर्स्ट तीर्थांकर, 23rd तीर्थांकर एंड 24th तीर्थांकर, These are the Tirthankars who are very important, okay? Who are very important. So, ये जो symbols है, जैसे like Rishabhdev, he is represented using bull. तो ये वाला जो symbol है, you can see like it is bull, okay? 23rd Tirthankar who is Parasnath, he is represented using cobra. Then when we talk about 24th Tirthankar, he is represented with lion, okay? ये Tirthankars के नाम है और उनसे associated symbols है, ठीक है? इनको आपको याद करने की कोशिश करना है, जितना हो सके उतना याद करना है। ठीक है, फर्स्ट को तो आपको याद करना ही है, 23rd को भी याद करना है, 24th को भी याद करना है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज तीर्थांकर्स
वन बाय वन. ओके, देन पारसनाथ के बारे में हमने डिस्कस किया था. सो पारसनाथ वॉज द सन ऑफ किंग अश्वसेना ऑफ वाराणसी. ठीक है, ही अब्डिकेटेड हिज थ्रोन. वो खुद राजा थे, उन्होंने अपने जो गद्दी है उन्होंने छोड़ दी एट द एज ऑफ 30 years एंड ही बिकेम एन एसेटिक. ठीक है, एसेटिक मतलब वो एक वो बन गए, मतलब लाइक मॉन्क बन गए. ठीक है, ही बिकेम अ मॉन्क. ठीक है, एंड ही गेन इनलाइटनमेंट आफ्टर 84 days ऑफ पिनेंस. उन्होंने 84 days तक, लगभग 3 महीने तक उन्होंने मतलब पिनेंस किया, उसके बाद उनको इनलाइटन मिला. He died at the age of 100 years, nearly 250 years before Mahavira. ठीक है, उनका डेथ कब हुआ था? He died at the age of 100 years. ठीक है, and he died 250 years before Vardhaman Mahavira. Okay, who was Vardhaman Mahavira? Vardhaman Mahavira was the 24th Tirthankar of Jainism. Okay. Then Parashvanath believed in eternity of matter. Eternity of matter मतलब जो universe है, जो संसार है, ठीक है, it is मतलब like created from time immemorial. ठीक है, मतलब like बहुत पहले से संसार बनी हुई है, and still the you know the universe is going on like this. Then the followers of Parashvanath wore a white garment. ठीक है, जो पारसनाथ को फॉलो करते थे वो सफेद कलर के कपड़े पहनते थे, उनको हम बोलते हैं श्वेतांबर्स. ओके, उनको बोलते हैं श्वेतांबर्स. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ओके, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट श्वेतांबर्स एंड दिगांबर्स. ओके, दो सेक्ट होती है जैनिज्म में. यस गगनदीप, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग गगनदीप. मुझे पूछना था कि ऋषभ देवा है, इन्होंने ये फर्स्ट तीर्थंकर थे, लेकिन जो फाउंडर ऑफ जैनिज्म हम कहते हैं या जो भी लिखित में है, तो वो महावीरा को कहा जाता है कि उन्होंने इंडिया में आके बुद्धिज्म का, सॉरी जैनिज्म का शुरू करा था. तो सर ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो तो 24th तीर्थंकर थे, स्टिल फर्स्ट वाले को क्यों नहीं कहा जाता कि वो फाउंडर है? बेसिकली क्या है कि लाइक हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि तीर्थंकर्स के बारे में हमें किनसे पता लगता है, लाइक यू नो नॉलेज अबाउट तीर्थंकर एंड अबाउट जैनिज्म, वी गेट मोस्ट ऑफ दीज नॉलेज फ्रॉम वर्धमान महावीरा इटसेल्फ. ठीक है, तो महावीरा ने ये नहीं बोला कि मैं ही पहला तीर्थंकर हूँ, उन्होंने बोला मुझसे पहले भी 23 तीर्थंकर थे, सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देवा थे, 23rd मुझसे पहले वाले ये थे, एंड मैं जो हूँ 24th इन सीरीज हूँ. ठीक है, सो द थिंग इज जो लोगों के पास अभी इंफॉर्मेशन है, दे गेट द इंफॉर्मेशन मोस्टली फ्रॉम यू नो वर्धमान महावीराज लाइफ. ठीक है, क्योंकि उनके बारे में वी हैव सम इंफॉर्मेशन, वी हैव सम सोर्सेज टू अंडरस्टैंड, लेकिन इससे पहले वाले जितने भी तीर्थंकर्स हैं, मतलब लाइक दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट हैव बीन शेयर्ड बाय यू नो द लेटेस्ट तीर्थंकर्स. ठीक है, इसीलिए. और रियल फाउंडर क्यों बोला जाता है? बिकॉज लाइक ही एक्चुअली यू नो प्रोपगेटेड जैनिज्म टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. ठीक है, मतलब रियल फाउंडर मतलब ही हैज प्रोपगेटेड जैनिज्म टू अ रियल टू मासेस, ही मेड इट पॉपुलर इसीलिए. सो गगनदीप, इज दैट क्लियर? संथारा और सल्लेखाना. We will discuss about it. ठीक है, संथारा और सल्लेखाना एक ritualistic practice होती है. ritualistic मतलब ये जैनिज्म में ऐसे लोग like who are ardent followers of जैनिज्म. ठीक है, जो जैनिज्म जैन में जो monks होते हैं उनके later stages life के, जब वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, जब उनकी मृत्यु का time आ चुका होता है, या फिर ऐसा time मतलब जब वो बहुत ज़्यादा ill है, मतलब like बहुत बीमार है, अभी उनकी शरीर काम नहीं कर रही है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप क्या करते हैं, मतलब दे स्टार्ट टेकिंग लेसर फूड, वो कम खाना लेते हैं. ठीक है, बहुत धीरे धीरे अपने जो खाने की क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम करते रहते हैं. ठीक है, धीरे धीरे कम करते रहते हैं, और उससे क्या होता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली दे डाई वन डे. ठीक है, मतलब जब उन्होंने ये स्टार्ट किया उसके कुछ दिनों में, हो सकता है 15 दिन, हो सकता है 30 दिन, हो सकता है 45 दिन, लाइक दैट, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने फूड इनटेक को लेना बंद करते हैं, जिसके वजह से उनकी डेथ हो जाती है. ये जवान लोग नहीं करते, मतलब दिस प्रैक्टिस
यू नो फॉलोड ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, वो कंडीशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको ये समझना है कि ऐसे जैन मॉन्क्स जो मतलब लाइक यू नो लेटर स्टेजेस में आ गए अपने लाइफ में, लेटर स्टेजेस मतलब जब उनकी डेथ होने वाली है ऑलमोस्ट, ठीक है, तब वो संथारा फॉलो करते हैं। दिस इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द वाओ इन जैनिज्म, मतलब लाइक एक प्रॉमिस है गॉड के साथ, मतलब जैन लोगों का तीर्थांकर्स के साथ, कि यू नो कि मैं भी संथारा या सलेखाना प्रैक्टिस करूंगी अपने लेटर स्टेजेस में, ठीक है। इट इज मतलब लाइक यू नो लाइक डाइंग अ डिग्निफाइड डेथ इस तरीके से, ठीक है, डिग्निफाइड डेथ। सो दिस इज संथारा या सलेखाना, दो नाम है इसका। इसका मतलब ये है लेटर स्टेजेस में लोग अपना खाना या इनटेक जो होता है फूड इनटेक वो धीरे धीरे कम करते हैं। ओके सो गगनदीप इज दैट क्लियर? यस सर, ओके ओके दैट्स ऑलराइट, थैंक यू सर, ओके वेलकम, ठीक है। सो पारसनाथ को जो फॉलो करते थे दे आर कंसिडर्ड एज श्वेतांबर्स, ओके, व्हाट दे आर कंसिडर्ड एज, दे आर श्वेतांबर्स, वी विल डिस्कस अबाउट देम, हु आर श्वेतांबर्स, हु आर दिगांबर्स एंड ऑल, ओके। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट वर्धमान महावीरा नाउ, ठीक है। वर्धमान महावीरा कौन थे? ही वॉज द 24th तीर्थांकर इन जैनिज्म, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन 540 BC इन कुंडल ग्राम नियर वैशाली, ठीक है। उनके फादर का नाम क्या था? द नेम ऑफ फादर ऑफ वर्धमान महावीर वॉज सिद्धार्थ एंड ही वॉज द हेड ऑफ दिस ज्ञान तंत्रिका, लाइक ज्ञान त्रिका क्लान, ओके। नेम ऑफ मदर ऑफ वर्धमान महावीरा वॉज त्रिशाला एंड शी वॉज द सिस्टर ऑफ द लिच्छावी किंग, नेम ऑफ द किंग वॉज चेतका, ठीक है। सो महावीरा ने क्या किया, मतलब लाइक महावीरा अबेंडन द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ ट्रूथ एट द एज ऑफ 30 एंड ही बिकेम एसेटिक एंड मेडिटेटेड फॉर 12 years, उन्होंने 12 years तक मेडिटेशन किया। एट द एज ऑफ 42 ही अटेंड कैवल्या, कैवल्या मतलब ओमनी साइंस, दिस इज द फिफ्थ स्टेज ऑफ नॉलेज। हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि नॉलेज के 5 stages होते हैं, ठीक है, जैनिज्म में तो 5 stages ऑफ नॉलेज होती है। तो मतलब वर्धमान महावीरा ने यू नो अल्टीमेट नॉलेज अटेन किया था, जिसको हम बोलते हैं कैवल्या ज्ञान, या उसको ओमनी साइंस भी बोलते हैं, दिस इज नोन एज यू नो विजडम, अल्टीमेट विजडम, ठीक है। ये जो आप राइट साइड में पिक्चर देख रहे हो, ठीक है, मतलब दिस इज द पिक्चर ऑफ वर्धमान महावीरा, ठीक है। एंड ही डिड मेडिटेशन अंडर अ साल ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ रिजुपालिका रिवर एट त्रिम्बिका ग्राम, ओके। और मतलब डिटेल्स ऑफ दिस इवेंट आर मेंशन इन उत्तर पुराना एंड हरिवंश पुराना, ठीक है। ही कॉन्क्वर्ड मिजरी एंड हैप्पीनेस एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्क्वेस्ट ही इज नोन एज महावीरा और ग्रेट हीरो और जीना, ओके। एंड ही इज कंसिडर्ड एज द कॉन्क्वेरर एंड हिज फॉलोअर्स आर कॉल्ड एज जैन्स, ठीक है। उनके फॉलोअर्स को क्या बोलते हैं? जैन बोलते हैं। ही प्रोपगेटेड रिलीजन फॉर 30 years, ठीक है, मतलब लाइक अपने 30 years के एज में उन्होंने मतलब वर्ल्ड को अबेंडन कर दिया था, रिनन्सिएशन किया था। 12 साल तक उन्होंने मेडिटेशन किया एंड आफ्टर देन ही अटेन कैवल्या ज्ञान एट द एज ऑफ 42। 42 के बाद 30 साल तक उन्होंने प्लस 30 साल तक उन्होंने लोगों को जैनिज्म के बारे में बताया, ठीक है। ही प्रोपगेटेड रिलीजन फॉर 30 years एंड ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72 एट पावापुरी नियर राजगीर, ठीक है। किस एज में उनकी डेथ हुई थी? 72 इयर्स के एज में, ठीक है। सो जैनिज्म में तीर्थ त्रिरत्नास होते हैं, उनको रत्नात्राया भी बोलते हैं, ठीक है। थ्री रत्न्स, थ्री ज्वेल्स इन जैनिज्म, दे आर यू नो राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, ठीक है। राइट नॉलेज को हम बोलते हैं साम्यक ज्ञान, ओके। राइट नॉलेज इज नोन एज साम्यक ज्ञान, इट मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स पोजेस सोल, मतलब साम्यक ज्ञान मतलब आपके पास जो होनी चाहिए राइट नॉलेज होनी चाहिए। राइट फेथ का मतलब होता है यू शुड हैव साम्यक श्रद्धा, ठीक है। आपका श्रद्धा जो होता है वो राइट श्रद्धा होनी चाहिए। देन राइट एक्शन इज नोन एज साम्यक कर्म, ठीक है। इट रेफर्स टू 5 vows इन जैनिज्म, vows मतलब 5 resolves इन जैनिज्म, ठीक है। तो क्या रत्नात्राया क्या है या त्रिरत्ना क्या है? एक रत्न है राइट नॉलेज, दूसरा है राइट फेथ, तीसरा है राइट एक्शन। राइट नॉलेज मीन्स साम्यक ज्ञान, राइट फेथ मीन्स साम्यक श्रद्धा, मीन्स यू शुड बिलीव इन द टीचिंग्स एंड विजडम ऑफ तीर्थांकरास, ओके। देन राइट एक्शन मतलब साम्यक कर्म, आप जो भी कर्म करो वो सही कर्म करो, ओके, दैट इज राइट एक्शन।
देन इसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पंच महाव्रतास, ठीक है, मतलब फाइव वाउस ऑफ जैनिज्म, पांच महाव्रत है जैनिज्म में। सबसे पहला महाव्रत है, इट इज नोन एज नॉन वायलेंस, कि आपको वायलेंस नहीं करना है, इट इज नोन एज अहिंसा, ओके, अहिंसा। देन सेकेंड इज डू नॉट स्पीक लाई, आपको झूठ नहीं बोलना है, मतलब लाइक यू ऑलवेज हैव टू स्पीक ट्रूथ, सत्य, आपको सत्य के मार्ग पे चलना है, आपको अहिंसा के मार्ग पे चलना है। एंड देन नॉट टू स्टील, यू शुड नॉट स्टील एनीथिंग, दैट इज नोन एज अस्त्या, ठीक है, इसको बोलते हैं अस्त्या। देन डू नॉट होर्ड, मतलब अपरिग्रह, इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी अक्वायर नहीं करना है, ठीक है। इफ यू आर लीडिंग अ लाइफ ऑफ अ हाउस होल्डर देन यू कैन हैव सम प्रॉपर्टी, बट द थिंग इज यू शुड नॉट अटेन यू नो लॉट ऑफ वेल्थ एंड ऑल, यू शुड नॉट यू नो गो बिहाइंड अटेनमेंट ऑफ यू नो वेल्थ, ठीक है। देन जो फिफ्थ है, इट इज ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, ठीक है, ब्रह्मचर्य, इसको हम बोलते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मीनिंग हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम में। यस दिव्या, आई थिंक दिव्या वॉन्ट्स टू आस्क समथिंग। यस दिव्या, ओके, सो दिव्या इज टाइपिंग, दैट्स ऑल राइट, ओके ओके दैट्स ऑल राइट, शी माइट बी यू नो म्यूटिंग और अनम्यूटिंग हर सेल्फ, दैट्स ऑल राइट। इनमें से जो पांच महाव्रता है, पहले के जो चार महाव्रत है, इट वॉज गिवन बाई 23rd तीर्थांकरा, ठीक है, इसको किसने दिया था, 23rd तीर्थांकरा ने दिया था। उनका नाम क्या था, उनका नाम था पारस्वनाथ, ओके पारस्वनाथ, ओके, आई एम नॉट राइटिंग यू नो फुल नेम, सो आई एम जस्ट राइटिंग पारस्वनाथ, ओके। जो फिफ्थ है, फिफ्थ को ऐड किया गया था, इट वॉज एडेड बाय वर्धमान महावीरा, ठीक है, वर्धमान महावीरा कौन थे, ही वॉज द 24th तीर्थांकर इन जैनिज्म, ओके 24th तीर्थांकर। सो दीज आर नोन एज पंच महाव्रतास, इनको क्या बोलते हैं, फाइव वाउस इन जैनिज्म, पंच महाव्रतास। ये क्या है, नॉन वायलेंस, इट मीन्स अहिंसा, नॉट टू स्पीक लाई, इट मीन्स सत्य, नॉट टू स्टील मीन्स अस्त्या, then do not hoard means aparigraha, okay, don't acquire property, then observe continence which means brahmacharya, okay, it means brahmacharya। to ye panch jo hai, these are panch mahavratas in jainism, inko aapko dhyan rakhna hai, you have to remember this thing, okay। then we discussed about five types of knowledge in jainism, humne kya kiya tha, panch knowledge ke type ko humne discuss kiya tha, sabse pehla tha mati gyan, dusra shruta gyan, तीसरा अवधि ज्ञान, चौथा महापर्याय ज्ञान, ओके, देन फिफ्थ वाज केवल्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ठीक है। सो वर्धमान महावीरा ने केवल ज्ञान अटेन किया था एट द एज ऑफ 42, कौन से एज में, 42 एज में, एट द एज ऑफ 42, आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर 12 इयर्स अंडर अ साल ट्री, ही हैड अटेन्ड केवल ज्ञान, ठीक है। उन्होंने साल ट्री के अंडर मेडिटेशन किया 12 साल तक, 30 इयर्स के एज के थे जब उन्होंने घर छोड़ा, फिर 12 साल तक उन्होंने क्या क्या मेडिटेशन किया, सो एट द एज ऑफ 42, ओके 42, जस्ट अ मिनट, ओके, सो एट द एज ऑफ 42 ही अटेन कैवल्य ज्ञान, ठीक है। कैवल्य ज्ञान जो है अल्टीमेट विजडम, ठीक है, टेम्पोरल नॉलेज और ओमनी साइंस बोलते हैं, ठीक है। माटी ज्ञान क्या था, पहला वाला ज्ञान, इट इज मतलब जो हम सेंस ऑर्गन से जो भी हम परसेप्शन या नॉलेज लेते हैं, दैट इज नोन एज माटी ज्ञान। मतलब कितने सेंस ऑर्गन है हमारे पास, पांच सेंस ऑर्गन है, व्हाट आर दे, ओके, एनीवन हु कैन आंसर, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन डू वी हैव एंड व्हाट आर दे, नोज, इयर्स, टंग, स्किन, आईज, ओके, सो दीज आर द फाइव यू नो सेंस ऑर्गन्स। सो ये जो पांच टाइप के ऑर्गन्स हैं, इन पांच ऑर्गन से हम क्या करते हैं, माइंड में हम इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वो जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है उससे हमें जो नॉलेज मिलती है, दैट इज नोन एज माटी ज्ञान, ओके, इनको बोलते हैं माटी ज्ञान। रवनीत कौर ने आंसर किया, श्रुतिका शर्मा ने भी आंसर किया, रवनीत कौर ने बोला आईज, नोज, ईयर्स, स्किन, ओके, आई दो बार लिख दिया उन्होंने, ओके, शी हैज रिटन आई टू टाइम्स, ओके, टंग इज ऑल्सो, ओके, स्वाति गिरी हैज आंसर्ड इट राइट, ओके, दैट्स ऑल राइट, ठीक है। श्रुता ज्ञान हमने देखा, नॉलेज रिवील्ड बाय स्क्रिप्चर्स, जो हम रिलीजियस बुक्स को पढ़ते हैं, ग्रंथ को पढ़ते हैं, जैसे जैनिज्म में भी ग्रंथ होते हैं, उनको पढ़ के जो हमें नॉलेज मिलता है, दैट इज नोन एज श्रुता ज्ञान। अवधि ज्ञान का मतलब होता है क्लियर वोएंट परसेप्शन, कि मतलब आप बैठे बैठे, मतलब लाइक इफ यू हैव द एबिलिटी टू गेन इन्फॉर्मेशन,
ठीक है, मतलब आप बैठे बैठे मतलब यू आर गेटिंग सम इन्फॉर्मेशन दैट इज नोन एज अवधि ज्ञान। उसके बाद आता महापर्याय ज्ञान, जिसमें मतलब टेलीपैथिक नॉलेज, मतलब टू पीपल आर कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर विदाउट एनी काइंड ऑफ यू नो इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट जो ह्यूमन नॉलेज में है, उनके इंस्ट्रूमेंट, उन इंस्ट्रूमेंट के बिना अगर दो लोग दूर दूर है एंड दे आर एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज टेलीपैथिक नॉलेज। इसे बोलते हैं महापर्याय ज्ञान। ओके ओके, सो आदर्श हैज रिटन दिव्य दृष्टि। सो दिव्य दृष्टि कैन बी सेड एज अवधि ज्ञान को दिव्य दृष्टि बोल सकते हैं हम। ठीक है, सो दीज आर फाइव टाइप्स ऑफ नॉलेज। हमने लास्ट क्लास में ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था इन डिटेल एंड वी हैव पार्टिसिपेटेड इन यू नो ह्यूज डिस्कशन। अभी हम क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कॉन्टिन्यू द सीरीज ऑफ डिस्कशन नाउ। ओके, सो अभी हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनेकांतवाद। ओके, अनेकांतवाद ये जो है एक फिलोसफी है जैनिज्म के अंदर। इसमें क्या होता है अनेकांतवाद, मतलब इट सिंपली मीन्स कि मतलब जो जो कैवेलियर्स है, कैवेलियर्स मतलब जो तीर्थांकर्स है हु हैव अटेन्ड द अल्टीमेट विजडम, सिर्फ उन लोगों को मतलब हर चीज, किसी भी चीज का हर तरीके से नॉलेज होता है। मतलब ओनली कैवेलियर्स लाइक यू नो दे आर नोन एज ओमनीसाइंट बीइंग्स कैन अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, उनका ये मानना है कि जो जो कैवेलियर्स है या जो तीर्थांकर है वो किसी भी चीज का हर तरीके से उनके पास नॉलेज है, लेकिन जो बाकी लोग हैं अदर्स दे आर ओनली केपेबल ऑफ पार्शियल नॉलेज। बाकी जो लोग हैं उनके पास सिर्फ पार्शियल नॉलेज है, दे आर केपेबल ओनली ऑफ पार्शियल नॉलेज। ठीक है, इसीलिए अकॉर्डिंगली नो स्पेसिफिक ह्यूमन व्यू कैन क्लेम टू रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट ट्रूथ। इसीलिए कोई भी इंसान अगर किसी चीज के बारे में बोलता है तो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एब्सोल्यूट ट्रूथ। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद ही पार्शियल नॉलेज है। ठीक है, मतलब जैनिज्म में अनेकांतवाद का मतलब यह है कि जितने भी लोग हैं हर किसी के पास पार्शियल नॉलेज है एक्सेप्ट कैवेलियास, कैवेलियास के पास कंप्लीट नॉलेज है। ठीक है, सो दे आर सेइंग द अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड हैज मल्टीपल एस्पेक्ट्स। जो अल्टीमेट ट्रूथ या रियलिटी है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ राइट साइड में यू कैन सी अ पिक्चर, ये राइट साइड में एक पिक्चर दिख रहा है आपको। इन दिस पिक्चर वॉट हैपन्स कि मतलब लाइक वी कैन सी दिस इज एन एलिफेंट। ठीक है, हमें दूर से अगर हम देख रहे हैं तो हमें एक एलिफेंट के तरह दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इस एलिफेंट को मतलब लाइक अलग अलग लोग, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान एलिफेंट के ऊपर चढ़ा हुआ है और एलिफेंट ने अपना जो ईयर है ऐसे ऐसे किया तो उसको हवा लगी, तो उसको क्या है एलिफेंट, उसका मानना है कि ये एक फैन है। क्या है? इट इज अ फैन। अब कोई एलिफेंट के जो दांत है, दांत के पास अगर खड़ा है तो उसे ऐसा लग रहा है कि ये एक भाला है, तो हिज अंडरस्टैंडिंग इज कि मतलब लाइक ये एक भाला है। क्या है? ये एक भाला है, बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग द कंप्लीट सेंस ऑफ द थिंग्स, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ स्पेसिफिक व्यू पॉइंट। ठीक है, उनका जो नॉलेज है ये पार्शियल है। अगर मान लो ऐसे ही कोई इंसान मतलब हाथी के जो सूंड होता है, मतलब यू नो लाइक ये जो चीज होती है, इसके पास अगर है तो उसको ऐसा लगता है कि ये जो है एक बहुत बड़ा स्नेक है, एक बहुत बड़ा सांप है। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी ने सीडी लगा लिया है, मतलब लाइक ही इज यू नो ही सीइंग दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ठीक है, ऑफ द एलिफेंट, तो उसको लगेगा कि ये दीवार है, मतलब क्योंकि मतलब दिस इज अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, अगर किसी ने हाथी का पूंछ देखा तो उसको लगेगा कि एक रस्सी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज नोन एज पार्शियल नॉलेज। मतलब अनेकांतवाद का मतलब यह है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है या फिर जो जो यू नो अदर पीपल है उनके पास पार्शियल नॉलेज है। क्यों पार्शियल नॉलेज है? क्योंकि दे आर नॉट कैवेलियर्स एंड दे आर एबल टू गेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, लाइक यू नो दे हैव नॉट अटेन्ड द अल्टीमेट विजडम। सो इनके पास, लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन है, दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली पार्शल। ठीक है, और जो कैवेलियर्स है, कैवेलियर्स मतलब जो जीना है, ठीक है, पर्सन हु हैव अटेन्ड द कैवेलियर नॉलेज, दे आर ओमनीसाइंट बीइंग, दे हैव द अल्टीमेट विजडम एंड दे अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड मैनिफेस्टेशंस। ओके, सो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अनेकांतवाद, एवरीवन जस्ट लेट मी नो इफ इट इज क्लियर। स्वाति, श्रुतिका, लाइक सत्यार्थ, रवनीत, कृतिका, कणिका, इशिका, गगनदीप, दिव्या एंड आदर्श, जस्ट लेट मी नो इफ इट इज क्लियर। अनेकांतवाद, ओके,
मतलब हमारे पास जो नॉलेज है पार्शियल है, जिस एंगल से हम देखते हैं उसी एंगल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, वी डू नॉट हैव यू नो क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग। ओके, दिस इज द थिंग। सो दिस इज नोन एज अनेकांतवाद, मतलब किसी एक चीज के वो अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन आर एबिलिटी, ठीक है, डिपेंड्स ऑन आर एबिलिटी, द टाइप ऑफ नॉलेज दैट वी प्रोसेस, ठीक है, ये अनेकांतवाद है। नाउ जैनिज्म, जैसे हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था, वी हैव स्टडीड इन बुद्धिज्म, हमने चार बुद्धिस्ट काउंसिल्स देखे थे, ठीक है। सिमिलरली देर वर टू इम्पॉर्टेंट काउंसिल्स इन जैनिज्म, वो दो काउंसिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। काउंसिल मतलब परिषद, मतलब लाइक वेयर यू नो लॉट ऑफ नॉलेजेबल पीपल गैदर टुगेदर टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और यू नो टू सॉर्ट आउट सम इश्यूज, दैट इज नोन एज काउंसिल, ठीक है। सो दो इम्पॉर्टेंट जैन काउंसिल है। फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था 300 बीसी में, बीसी मींस बिफोर क्राइस्ट, ओके, बिफोर क्राइस्ट, बीसी मींस बिफोर यू नो क्राइस्ट। सो फर्स्ट जैन काउंसिल कब हुआ था? 300 बीसी में। कहां पे हुआ था फर्स्ट जैन काउंसिल? इट हैपेंड इन पाटलिपुत्र, ओके, कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। इसके चेयरमैन कौन थे? उनका नाम था स्थूलभद्र, ओके। अभी मैंने मतलब लाइक व्हेन आई वाज टाइपिंग ओवर हियर, तो ग्रामरली एक वो होता है, इट हैज गिवन मी स्पेलिंग लाइक स्थूली भद्रा, बट लाइक स्थूल भद्रा वॉज द नेम ऑफ द पर्सन, ओके। सो स्थूल भद्रा वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट जैन काउंसिल। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। कब हुआ था? 300 बीसी में, ओके। व्हेन इट हैपेंड इन 300 बीसी, फर्स्ट जैन काउंसिल। और इसके पैट्रॉन कौन थे? पैट्रॉन वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइज करवाने में मदद करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं वहाँ पे, ऑर्गेनाइज करने के लिए रिसोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, उनके देख रेख में सारी चीज़ें होती है, लाइक दैट, ओके। सो द पैट्रॉन वॉज चंद्रगुप्त मौर्य, ओके, हु वॉज द पैट्रॉन ऑफ द जैन काउंसिल, इट वॉज चंद्रगुप्त मौर्य। और इसमें क्या हुआ था? जो वर्धमान महावीरा ने जो भी नॉलेज इम्पार्ट किया था, उन नॉलेज को अलग अलग अंगों में लिखा गया था, मतलब लाइक इट हैज बिन कंपाइल्ड इंटू 12 अंगास, ठीक है। वॉट एवर नॉलेज वी गेट ऑफ जैनिज्म दैट पीपल हैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दे हैव कंपाइल्ड देम इंटू 12 अंगास, ठीक है, मतलब 12 अलग अलग अंगों में, 12 अलग अलग पार्टों में उन्होंने उसको कंपाइल किया। कब? फर्स्ट जैन काउंसिल में, ओके, इट हैज हैपेंड इन फर्स्ट जैन काउंसिल। अगर हम बात करें सेकेंड जैन काउंसिल का, तो ये कब हुआ था? 512 AD में, 512 AD में, मतलब लगभग 812 साल बाद, ओके, दिस वाज 300 BC एंड दिस वाज इन 512 AD, सो द गैप इज अराउंड 800 ईयर्स, ओके, क्योंकि हमने देखा था ये जीरो है, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो BC होगा, राइट साइड में जाएंगे तो AD होगा, ठीक है, यहाँ पे 300 BC है मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 512 AD है, तो जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 300 और यहाँ से यहाँ तक 512, सो 812, मतलब ये है, मतलब 800 साल बाद लगभग यू नो दूसरा जैन काउंसिल हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? वेर इट हैपेंड? इट हैपेंड इन वल्लवी, ओके, कहाँ पे? वल्लवी। और इसके चेयरमैन कौन थे? देवार्धि, ओके, शमा श्रमाना, ओके, सो देवादि, देवादि शमा श्रमणा, सो दिस वॉज द नेम ऑफ द पर्सन हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द सेकेंड जैन काउंसिल। इसके पेट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ओके, इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल अबाउट द पेट्रॉन ऑफ द सेकेंड जैन काउंसिल। हो सकता है कि इसके कोई एक पेट्रॉन नहीं थे, हो सकता है लोगों ने मिलके ऑर्गेनाइज किया हो, बहुत सारे लोगों ने, लाइक दैट, ओके। इसमें क्या हुआ था? वो जो पहले के 12 अंग थे उनको फाइनल कंपाइल किया, और उसके बाद 12 उपंग, उपंग मतलब 5 तो अंग है, उस 12 अंग है, उस 12 अंगों में से में भी मतलब छोटा छोटा, मतलब एक एक पार्ट हर किसी का कर दिया, सो 12 अंगास एंड 12 उपंगास वर कंपाइल्ड इन द सेकेंड जैन काउंसिल, ठीक है। सेकेंड जैन काउंसिल में 12 अंगा एंड 12 उपंगा को कंपाइल किया गया था, ओके। सो इज दैट अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? जैन काउंसिल, फर्स्ट एंड सेकेंड जैन काउंसिल, जस्ट लेट मी नो इफ इट इज क्लियर, ओके, जस्ट लेट मी नो इफ इट इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। एनी वन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चन, यू कैन टाइप योर क्वेश्चन, यू कैन स्पीक ऑल्सो, ओके, अदरवाइज यू कैन जस्ट टाइप दैट यू अंडरस्टूड, ओके। सो इशिका, कैन यू प्लीज टेल मी वेन वॉज द सेकेंड जैन काउंसिल हैपेंड हेल्ड, वेन वॉज द सेकेंड जैन काउंसिल हेल्ड? इशिका गर्ग,
When was the second Jain council held? When पूछा था 512 AD. Ishika has answered it right. Ravneet Kaur has answered where it was happened. It was happened in Vallabhi. Okay. When पूछा था time period. You had to answer time period. Okay. So आपको clearly सुनना भी है question में क्या पूछा गया. Accordingly you answer. Okay. Like that. ऐसे interviews में भी होता है कई बार. मतलब you are sitting in the interview. They are asking something but like out of you know excitement or maybe your anxiety you may answer something else. ऐसा होता है ठीक है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस क्लियरली टेक सम टाइम एंड देन आंसर. ओके देन सो वी हैव अंडरस्टूड अबाउट जैन काउंसिल्स. अभी हम समझेंगे सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म मतलब जैनिज्म के प्रकार ठीक है. कितने टाइप के जैनिज्म है वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म. ओके सो क्या है मतलब इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी है ठीक है. इससे रिलेटेड एक स्टोरी है. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट स्टोरी एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म. सत्यार्थ रस्तोगी ने पूछा सर सेकेंड जैन काउंसिल के पैट्रॉन. ओके सेकेंड जैन काउंसिल के पैट्रॉन के इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है. वी डिड नॉट फाइंड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पैट्रॉन ऑफ द सेकेंड जैन काउंसिल. हो सकता है कि लोगों ने मिलके ऑर्गेनाइज किया हु वर नॉट किंग्स ठीक है. 512 एडी में हुआ था ऐसा हो सकता है. इसीलिए किसी पर्टिकुलर यू नो किंग का नाम नहीं लिखा हुआ है ठीक है. लाइक अबाउट पैट्रॉन इन द सेकेंड जैन काउंसिल. ओके सत्यार्थ इज दैट अंडरस्टूड. सत्यार्थ रस्तोगी ओके जस्ट लेट मी नो इफ इट इज अंडरस्टूड. ओके दैट्स ऑल राइट. ओके सो देर इज ए स्टोरी. एक स्टोरी है जैनिज्म के सेक्ट के बारे में. वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट स्टोरी एंड देन वी विल अंडरस्टैंड फर्दर ठीक है. तो क्या हुआ ऐसा माना जाता है कि 298 BC में एक बहुत बड़ा अकाल आ गया था. अकाल मींस फैमीन आ गया था ठीक है. कहाँ पे मगध में. मगध कहाँ पे था साउथ बिहार में ठीक है. मतलब बहुत बड़ा अकाल आया था उस जगह पे जहाँ पे जैन लोग रहते थे ठीक है. सो इन 298 AD देयर वाज अ सीरियस फैमाइन ओके और फैमीन इन मगध ओके लीडिंग टू ग्रेट एक्सोडस मतलब लाइक बहुत बड़ा अकाल आने की वजह से वहां से लोग जो है बाहर मतलब दूर दूर जाने लगे ठीक है. मतलब लाइक वहां से लोग दूर दूर जाने लगे ठीक है. उनमें बहुत सारे जो जैन मॉन्क्स थे मतलब बहुत सारे जो जैन वो थे मतलब भिक्षु या फिर हम जिनको ऋषि बोलते हैं बहुत सारे जैन ऋषि मुनि जो थे मतलब लाइक उन वो भी निकल गए वहां से. और वो कहाँ के लिए गए मतलब दे स्टार्टेड मूविंग साउथ टूवर्ड साउथ इंडिया ठीक है. डेक्कन एंड साउथ इंडिया. तो साउथ इंडिया में एक्चुअली मतलब दे वेंट टू श्रवण बेलागोला. ओके कहाँ गए श्रवण बेलागोला ठीक है. और अलॉन्ग विथ कौन कौन गए थे वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट लोग भी गए थे. मतलब वैसे बहुत सारे जैन ऋषि गए थे लेकिन उनमें बहुत इंपॉर्टेंट लोग भी गए थे. हु वर दे वन ऑफ द पर्सन वॉज भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य खुद भी गए थे और भद्रबाहु भी गए थे ठीक है. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ एम्परर ठीक है. भद्रबाहु वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऋषिज ठीक है. एक बहुत बड़े ऋषि थे जैन मुनि थे वो ठीक है. लेकिन वहां पे वो साउथ इंडिया में गए वो काफी टाइम तक वहीं पे रुके. बहुत सारे लोग वहीं पे रुक गए. व्हाट हैपेंड बट दे रिटर्न बैक आफ्टर 12 years. वो 12 साल बाद वापस आए. कितने टाइम बाद दे रिटर्न बैक आफ्टर 12 years एंड द लीडर ऑफ द ग्रुप ठीक है. द लीडर ऑफ द ग्रुप विच स्टेड बैक एट मगध ठीक है वॉज स्थूलभद्रा और स्थूलभद्रा ठीक है. ऐसा इंसान देखो क्या है मगध. मगध ये 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 एक प्लेस है मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये मगध है ठीक है. मगध मगध में फैमीन आया हुआ है. बहुत सारे लोग चले गए ठीक है. बहुत सारे लोग दूसरे जगह गए. उनमें से भद्रबाहु भी थे चंद्रगुप्त मौर्य भी थे लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे ना जो रुक गए थे ठीक है. तो वहां पे स्थूल भद्र ठीक है स्थूली भद्र जो मैंने बोला ठीक है स्थूली भद्र ठीक है वो वहां पे रुक गए थे ठीक है. ही स्टेड बैक देयर कहाँ पे मगध में रुक गए थे. बाकी भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य डेक्कन की तरफ साउथ इंडिया की तरफ चले गए थे. एक्चुअली वो श्रवण बेलागोला में गए और जो लोग वहां पे गए थे वो 12 साल बाद वापिस आए ठीक है ठीक है. एंड जब वो वापिस आए तो इधर वाले जो जैन थे जो रुक गए थे और जो उधर से वापिस आए इन दोनों में बहुत सारा अंतर आ गया था. बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए थे. क्या अंतर आ गया था ठीक है.
हम डिस्कस करेंगे। तो व्हेन द जैन्स भद्रबाहु एंड अदर्स, मतलब जो लोग गए थे, जब वो वापस आए तो उन्होंने बोला कि मतलब हमें जो है कपड़े वपड़े नहीं पहनना चाहिए, वी शुड स्टे नेकेड, ठीक है, वी शुड स्टे नेकेड एंड बीइंग नेकेड और कंप्लीट न्यूडिटी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द टीचिंग्स ऑफ महावीरा। उन्होंने बोला कि वर्धमान महावीरा ने जो टीच किया, जो समझाया लोगों को, ठीक है, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि आपको अपरिग्रह है, मतलब आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने बोला वो प्रॉपर्टी आपका जो शरीर में वस्त्र है वो भी एक प्रॉपर्टी का ही रूप है, सो यू शुड स्टे नेकेड, ठीक है। क्यों उन्होंने क्यों बोला कि एसेंशियल पार्ट ऑफ महावीरा, कि क्योंकि महावीरा ने क्या किया, जो लास्ट वाला ब्रह्मचार्य वो ऐड किया था, ही वॉज द लेटेस्ट, यू नो, ही वॉज द लेटेस्ट तीर्थांकर ऑल्सो। तो जब ये लोग वापस आए, इन्होंने बोला कि कंप्लीट न्यूडिटी जो है वो एक एसेंशियल पार्ट है जैनिज्म का, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग जो मगध में रुके हुए थे, हु स्टेड बैक इन मगध, जिन्होंने साउथ इंडिया नहीं गए थे, जो लोग, उनका ये मानना था कि हमें सफेद कपड़े पहनने चाहिए, वी शुड वियर व्हाइट क्लोथ्स, ठीक है, मतलब व्हाइट क्लोथ्स, ठीक है। सो इसीलिए जो है, इसके वजह से दो जैन के सेक्ट बने, दो अलग अलग प्रकार के जैन के सेक्ट बने, एक को बोलते हैं श्वेतांबर, दूसरे को बोलते हैं दिगंबर। श्वेतांबर वो लोग होते हैं जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, हु वियर व्हाइट क्लैड, ठीक है। दिगंबर वो होते हैं जो कुछ भी नहीं पहनते, उनके लिए जो आसमान है वही कपड़े है, लाइक दैट दे आर नोन एज स्काई क्लैड, ओके, दिस इज द थिंग। फेमाइन से पहले, यानी कि जो अकाल था, अकाल से पहले सारे लोग वहीं पे रहते थे, तो एक तरीके का अवधारणा था वहां पे, ठीक है। फिर जब फेमाइन आया, बहुत ज्यादा तंगी आ गई, तो बहुत सारे लोग चले गए। जब लोग वहां से वापस आए, तो मतलब लाइक उन लोगों का ये मानना था कि हमें कोई कपड़े वपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये सब। बाद में ये सारा मतलब डिस्प्यूट अराइज हुआ, जिसके वजह से दो सेक्ट में डिवाइड हो गया जैनिज्म, श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर वो लोग थे जो सफेद कपड़े पहनते थे, दिगंबर वो थे जो कोई कपड़े नहीं पहनते थे। वो लोग मानते थे कि जो अंबर है, जो आसमान है, वही हमारा कपड़ा है, वही हमारा वस्त्र है, ठीक है। सो श्वेतांबर एंड दिगंबर, आई हैव अ स्लाइड ऑल्सो वेयर आई हैव इंक्लूडेड इमेजेस ऑल्सो। श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर वो वाले लोग हैं जो रुक गए थे मगध में। रुक कौन गए थे? स्थूलीभद्र या स्थूलभद्र, ठीक है। श्वेतांबर कौन थे? दोज हु पुट ऑन व्हाइट रोब्स, जो जो सफेद कलर के कपड़े पहनते हैं, उनको श्वेतांबर बोलते हैं। आप देखो, इन्होंने देखो, जैन लोगों ने, इन्होंने तब से मास्क लगा के रखा हुआ है। यू सी, अभी हम मास्क लगा रहे हैं कोरोना के वजह से। दीज पीपल आर वियरिंग मास्क फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ठीक है। ये तो श्वेतांबर कौन थे? दीज वर दोज हु पुट ऑन व्हाइट क्लोथ्स, ओके, स्थूलभद्र। दिगंबर्स कौन है? दिगंबर्स वो है जो एकदम नेकेड रहते थे, ठीक है। दे आर लेड बाय भद्रबाहु, जो गए थे मगध से, जो श्रवण बेला गोला में जाके वापस आए, तो वो लोग कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। सो इनको बोलते दिगंबर। इज इट क्लियर? श्वेतांबर कौन होते हैं, दिगंबर कौन होते हैं? एवरीवन जस्ट लेट मी नो इफ इट इज क्लियर। आदर्श, दिव्या, गगनदीप, इशिका, कणिका, कृतिका, रवनीत, सत्यार्थ, श्रुतिका, स्वातिगिरी। ओके, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। ओके, नाउ लेट अस मूव लिटिल फर्दर। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, ठीक है। स्प्रेड मतलब जैनिज्म क्यों पॉपुलर हुआ, वो दूर दूर कैसे फैला, क्या कारण थे कि मतलब जैनिज्म पॉपुलर हुआ, वी विल अंडरस्टैंड। जैनिज्म एक पॉपुलरिटी का एक कारण ये था कि दे एडमिटेड बोथ विमेन एंड शूद्रास, ठीक है। मतलब क्या होता है कि मतलब कई रिलीजियस फिलोसफी ऐसी होती है, जैसे हमने वेदों वेदों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, वेदिक पीरियड के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वहां पे क्या था कि मतलब सिर्फ मैन वर अलाउड टू बी पार्ट ऑफ दी टू बी पार्ट ऑफ दैट थिंग, मतलब जो भी वहां पे वो होते थे, मतलब यू नो असेंबलीज होती थी, ठीक है, वहां पे सिर्फ मैन वर अलाउड, वुमेन वर नॉट अलाउड। तो लेकिन यहाँ पे जैनिज्म में विमेन भी अलाउड होते थे, लोअर वर्ण के लोग भी अलाउड होते थे, शूद्रा भी अलाउड होते थे, ठीक है। मतलब लाइक अगर हम वेदिक स्क्रिप्चर्स के बारे में देखें, वहां पे सिर्फ यू नो ब्राह्मिन्स वर पार्ट ऑफ द थिंग, यू नो हायर वर्ण पीपल वर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, विमेन वर नॉट पार्ट, शूद्रास वर एक्सक्लूडेड। लेकिन यहाँ पे क्या है, विमेन एंड शूद्रास दे वर इक्वली अलाउड टू बी पार्ट ऑफ दिस थिंग, ठीक है।
और जैनिज्म ने मतलब जैनिज्म को फैलाने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया। प्राकृत वो लैंग्वेज होता था जो हर कोई बात करता था, जैसे हम लोग हिंदी में बात करें ना, सो दैट टाइम पीपल यूज टू स्पीक इन प्राकृत लैंग्वेज, दैट वॉज द लैंग्वेज ऑफ द मासेस, दैट वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। जो कॉमन लोगों की जो लैंग्वेज होती थी वो प्राकृत लैंग्वेज होता था, और प्राकृत लैंग्वेज में ही जैनिज्म की टीचिंग्स दी जाती थी, ठीक है, जिसके वजह से बहुत पॉपुलर हुआ। ठीक है, अब क्या है कि पॉपुलर तो हुआ लेकिन ये बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि जैनिज्म ने अपने आप को ब्राह्मिनिज्म या हिंदुइज्म से बहुत अलग तरीके से प्रोपगेट नहीं किया था। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मानते थे कि जैनिज्म जो है हिंदुइज्म का ही पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्राह्मिनिज्म इटसेल्फ, तो लोगों ने बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं दिया। ओके, व्हाई? बिकॉज कि जो जैन के लोग हैं, ठीक है, द जैनिज्म पीपल दे कुड नॉट डिफ्रेंशिएट, ओके, दे डिड नॉट क्लियरली डिफ्रेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम द ब्राह्मिनिकल रिलीजन, मतलब हिंदुइज्म से बहुत अलग तरीके से नहीं उन्होंने वो किया। सो बहुत सारे लोग ऐसे मानते थे कि जैनिज्म हिंदुइज्म का ही पार्ट है, तो अलग से जाके ये सब करके कोई फायदा नहीं है, हम अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। पॉपुलर हुआ क्योंकि कॉमन लैंग्वेज यूज करते थे प्राकृत, वुमेन शूद्रा सब अलाउड थे, ये सारी चीजें थी। ठीक है, सो जैनिज्म स्प्रेड टू साउथ इंडिया, कलिंगा एंड इवन सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, जैनिज्म साउथ इंडिया में भी फैला, कलिंगा में भी फैला। कलिंगा जो है मतलब प्रेजेंट डे जो हमारा ओडिशा है उसके आसपास का रीजन, ठीक है, एंड तमिलनाडु के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स तक भी फैला। ठीक है, तो ये सारे वो एरियाज है जहाँ पे जैनिज्म फैला, ठीक है, जहाँ जहाँ पे जैनिज्म प्रोपगेट हुआ। सो दिस इज अबाउट स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। सो इन टू सेंटेंसेस कैन एनीवन टेल मी लाइक व्हाई डिड जैनिज्म बिकम पॉपुलर, व्हाई इट स्प्रेड टू वेरियस प्लेसेस, जस्ट इन वन और टू लाइन और फ्यू वर्ड्स, एनीवन हु कैन एक्सप्लेन? सर, क्योंकि वहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं थी जैसे वेदाज में थी, यहाँ पे वुमेन और शूद्रास को भी उतना ही अपॉर्चुनिटी दी जाती थी जितना बाकी लोगों को दी जाती थी। ओके, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। सो यू स्पोक इट राइट, एंड दे यूज कॉमन लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया उन लोगों ने। ठीक है, सो दीज वर दी टू थिंग्स, आदर्श इज टाइपिंग समथिंग, वन रीजन इज फमाइन। ओके, फमाइन के वजह से जैनिज्म पॉपुलर हुआ, नहीं पॉपुलर नहीं हुआ, फमाइन के वजह से लोग दूसरे जगह पे चले गए थे, फिर वापिस आए तो उसमें डिविजन हो गया। जैनिज्म हैव बीन देयर, ओके, सो लाइक फमाइन वॉज वन ऑफ द नेचुरल कॉजेस फॉर द स्प्रेड ऑफ पीपल और फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म, कि जैनिज्म ने, हाँ बिल्कुल स्प्रेड हुआ, यस, आदर्श है सर, स्प्रेड तो हुआ ना, यस, आदर्श इज राइट, सो ही इज सेइंग कि जैनिज्म स्प्रेड बिकॉज ऑफ फमाइन, यस, सो दिस वॉज मीन्स लाइक ज्योग्राफिकली हाउ इट इज स्प्रेड बिकॉज ऑफ फमाइन ऑल्सो, दैट्स गुड। ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन, या गगनदीप है सेट, चंद्रगुप्त मौर्य के वजह से भी, यस, लाइक ही वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। ठीक है, यू कीप ऑन थिंकिंग व्हाइल यू आर इन द क्लासरूम इटसेल्फ, बी पार्टिसिपेटिव, जितना आप पार्टिसिपेट करोगे यू विल फील दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करने से वन डायरेक्शनल होता है तो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है चीजें। ओके, सो कॉन्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे, जैनिज्म का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। सो एन अटेम्प्ट टू मिटिगेट इविल्स ऑफ रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन, जैसे वैदिक रिलीजन में क्या था, लोग रिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे, एनिमल सेक्रीफाइस करते थे। ठीक है, तो जैन जैन लोग जो थे वो एनिमल सेक्रीफाइस के खिलाफ थे। ओके, देवर अगेंस्ट द एनिमल सेक्रीफिशियल एंड रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसीलिए तो जैनिज्म आया, ठीक है, इसीलिए वो जैनिज्म आया, तो उन्होंने जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस है उनको कम करने की कोशिश की। ठीक है, एंड दूसरी चीज है, उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को अडॉप्ट किया जिसके वजह से जैनिज्म जो है बहुत ग्रोथ हुआ इसका, एंड मैनी रीजनल लैंग्वेजेस ग्रू आउट ऑफ प्राकृत, स्पेशली शूरासैनी। ठीक है, मतलब जो प्राकृत लैंग्वेज है उस प्राकृत लैंग्वेज में से बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस निकल के आई, जैसे आप जानते हैं कि मतलब इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब लाइक हमारे पास बहुत सारे डाइवर्सिटीज हैं लेकिन हमारे पास एक नेशन स्टेट का फीलिंग है, मतलब लाइक वी हैव अ फीलिंग ऑफ नेशनैलिटी। लेकिन क्या है, अगर आप हर 50 किलोमीटर जाओगे तो लैंग्वेज में वेरिएशंस आते हैं,
लॉट ऑफ वेरिएशन कम्स, तो क्या है कि बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस एमर्ज हुए, निकले कहाँ से, प्राकृत लैंग्वेज में। उनमें से एक लैंग्वेज था जिसे हम बोलते हैं शौरासेनी। शौरासेनी एक लैंग्वेज का नाम है, ठीक है, आउट ऑफ विच मराठी लैंग्वेज यू नो ग्रू। शौरासेनी में से ही मतलब लाइक मराठी लैंग्वेज निकला। ओके, सो जैनिज्म ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ कन्नडा। ठीक है, जो कन्नडा, कन्नडा मतलब ये वो लैंग्वेज है जो कर्नाटका के लोग बोलते हैं। कर्नाटक इज ए स्टेट इन इंडिया, पीपल स्पीक कन्नडा, लाइक नेटिव ऑफ कर्नाटका दे स्पीक कन्नडा। साउथ इंडिया में चार प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस है, कौन कौन से हैं, दे आर कन्नडा, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु। ओके, दीज आर द लैंग्वेजेस। ठीक है, तो क्या है, कन्नडा, तमिल, मलयालम, तेलुगु, ठीक है, इस टाइप के लैंग्वेजेस है। तो कन्नडा लैंग्वेज का भी कॉन्ट्रीब्यूशन में मतलब लाइक जैनिज्म का बहुत हाथ था। क्यों? क्योंकि जो मगध में जब समायन आया था, मगध में जब अकाल पड़ी थी, तो लोग श्रवण वेलागोला में गए थे। श्रवण वेलागोला कहाँ पे, कर्नाटका में है। इसीलिए मतलब जो है कन्नडा लैंग्वेज के भी प्रोपोगेशन में, ठीक है, क्या बोलते हैं, कन्नडा के प्रोपोगेशन में भी जैनिज्म का हाथ है। देन जैनिज्म लिटरेचर इज रिटन इन अर्ध मगधी। अर्ध मगधी जो है एक लैंग्वेज का नाम है। क्या है, अर्ध मगधी इज अ नेम ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, तो जैनिज्म लिटरेचर जो है अर्ध मगधी में लिखा गया था 6th century AD में, ठीक है, एट बल्लवी। बल्लवी कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है, प्रेजेंट डे गुजरात। जो फर्स्ट ग्रामर ऑफ जैनिज्म लिटरेचर, ठीक है, उसको अपभ्रंशा लैंग्वेज में लिखा गया था। ये सारे लैंग्वेजेस के नाम है, ये ध्यान रखना। शूरासिनी लैंग्वेज का नाम है, मराठी लैंग्वेज का नाम है, कन्नडा लैंग्वेज का नाम है, अर्ध मगधी लैंग्वेज का नाम है और अपभ्रंशा लैंग्वेज का नाम है। तो जैनिज्म लिटरेचर में जो फर्स्ट यू नो ग्रामर लिखा गया था वो अपभ्रंशा लैंग्वेज में लिखा गया था। अपभ्रंशा अपने आप में एक प्राकृत का वेरिएंट है। क्या है, प्राकृत लैंग्वेज में से एमर्ज हुआ था। ठीक है, सो ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल टाइम्स जैन्स आल्सो यूज संस्कृत एंड रोट मैनी टेक्स्ट। ठीक है, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज का भी यूज किया। सो जैनिज्म में बहुत सारे लैंग्वेजेस मिलते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में Jainism was propagated using Prakrit language itself. Okay, so yes, is all of it understood by all of you? Yeah, Shauraseni bhi language hai. ठीक है, Shauraseni bhi ek language ka naam hai. This question was asked by Kritika Hariharan. शौरासेनी भी लैंग्वेज ही है ना? यस, सो शौरासेनी इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। ओके, सो दीज आर द लैंग्वेजेस। आई एम जस्ट यू नो अंडरलाइनिंग दीज थिंग्स। प्राकृत इज अ नेम ऑफ अ लैंग्वेज, शौरासेनी इज अ नेम ऑफ अ लैंग्वेज, मराठी इज अ नेम ऑफ अ लैंग्वेज, कन्नडा इज अ नेम ऑफ अ लैंग्वेज, देन अर्ध मगधी इज अ नेम ऑफ अ लैंग्वेज, देन अपभ्रंशा is a name of a language. These are name of languages. Okay, so they are variants of Prakrit language itself. Okay, so that's the thing. Now let us understand one thing. This is known as Parushyana. Okay, like Paryushana. Okay, Paryushana. If I'm not spelling it wrong, it is Paryushana. Jaise for example, if we talk about Deepavali is a, you know, is a religious festival of Hindus. ये बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। ऐसे इफ यू टॉक अबाउट क्रिश्चियंस, तो क्रिश्चियन के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल क्या होता है, क्रिसमस, जो 25th of December को होता है। ठीक है, क्रिसमस इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द यू नो लाइक ग्रेटेस्ट फेस्टिव सीजन्स फॉर क्रिश्चियंस। इसी तरीके से जो पार्युशाना है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनुअल इवेंट ऑफ जैनिज्म। ठीक है, ये एक एनुअल इवेंट होता है जैनिज्म का, एक बहुत इंपॉर्टेंट एनुअल इवेंट होता है। क्या बोलते हैं इसको, पार्युशाना और दश लक्षणा। ओके, इसको दश लक्षणा भी बोलते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनुअल इवेंट ऑफ जैन्स, एंड इट इज यूजली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सेप्टेम्बर। ठीक है, अगस्त या सेप्टेम्बर के मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये 8 से 10 दिन का त्यौहार होता है, इट लास्ट फॉर 8 to 10 days, एंड इट इज अ टाइम व्हेन ले पीपल इंक्रीज देयर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल इंटेंसिटी। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड होता है जब नॉर्मल लोग, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, वी आर नॉट वेरी रिलीजियस, मोस्ट ऑफ अस आर नॉट वेरी रिलीजियस, तो क्या करते हैं, इस टाइम के दौरान हम रिलीजियस चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जैन पीपल डू इट। ओके, सो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे इंक्रीज देयर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल इंटेंसिटी, ऑफन यूजिंग फास्टिंग एंड प्रेयर और मेडिटेशन।
ठीक है, वो फास्ट भी रखते हैं इस टाइम पे, प्रेयर भी रखते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, ठीक है। तो क्या फाइव मेन वॉस ऑफ जैनिज्म आर एम्फसाइज ड्यूरिंग दिस टाइम, जो पांच पंच महाव्रता है जैनिज्म में, कि मतलब अहिंसा, ठीक है, अहिंसा, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट यू नो अस्तिया, सत्या, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्या, ये सारी चीजों को एम्फेसिस दिया जाता है इस पारुषयन त्योहार के टाइम पे। ओके, सो इट इज 8 days फॉर श्वेतांबर्स एंड 10 days फॉर दिगंबर्स। हमने देखा जैनिज्म में दो सेक्ट होते हैं, एक श्वेतांबर होते हैं हु आर व्हाइट क्लैड, मतलब जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, दिगंबर वो होते हैं हु आर स्काई क्लैड, हु डू नॉट वियर क्लोथ्स, ठीक है। सो श्वेतांबर जो लोग होते हैं वो 8 दिन के लिए मनाते हैं इसको, और दिगंबर लोग जो होते हैं दे सेलिब्रेट इट फॉर 10 days। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पारुष्याना। ओके, सो इज दैट अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू? श्रुतिका, कैन यू प्लीज टेल मी? श्रुतिका एंड स्वाति, ओके, स्वाति सेड शी अंडरस्टूड। ओके, व्हाट अबाउट गगनदीप एंड आदर्श? आदर्श, हैव यू अंडरस्टूड इट? ओके, दैट्स ऑल राइट। ओके, फाइव आदर्श से फाइव मेन वाओ, फिर से उसको पांच महाव्रता बोलते हैं, उनमें से एक होता है अहिंसा, अहिंसा और अहिंसा भी बोलते हैं, अहिंसा, ठीक है। देन दूसरा है सत्या, क्या है दूसरा? सत्या। ओके, दिस इज वाई सत्या। तीसरा जो है हमारे पास, तीसरा क्या है? अस्तिया, अस्तिया, अस्तिया। ओके, देन चौथा क्या है हमारे पास? फोर्थ इज अपरिग्रह, अपरिग्रह। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आपरी, GRAHA। एंड फिफ्थ इज ब्रह्मचर्या। ठीक है, ये आज भी हमने रिवाइज किया। अहिंसा मतलब आपको हिंसा नहीं करना है, यू डोंट हैव टू किल एनिमल्स, यू डोंट हैव टू हर्ट अदर ह्यूमन बींग्स। सत्या मतलब डू नॉट स्पीक लाई, आपको हमेशा सत्य बोलना है, ट्राई टू स्पीक ट्रूथ एवरी टाइम। अस्तिया का मतलब होता है आपको चोरी नहीं करना, यू डोंट हैव टू स्टील। अपरिग्रह का मतलब होता है यू डोंट हैव टू अक्वायर टू मच प्रॉपर्टी, बहुत प्रॉपर्टी अक्वायर नहीं करना है, ठीक है, अपने आप को प्रॉपर्टी के अटैचमेंट से डिटैच करना है आपको। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है यू शुड यू नो लाइक ऑब्जर्व सेलिबेसी, सेलिबेसी का मतलब होता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्टेज इन लाइफ व्हेन यू आर अक्वायरिंग नॉलेज यू शुड स्टे अवे फ्रॉम यू नो फिजिकल प्लेजर और सेंसुअल प्लेजर एंड ऑल, ठीक है। सो अहिंसा, सत्य, अस्त्या, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य, ये पांच महाव्रत है जैनिज्म में। दीज आर नोन एज फाइव ग्रेट वॉज इन जैनिज्म। सो आदर्श, इज दैट क्लियर? ओके, दैट्स ऑल राइट। सो दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय गगनदीप सल्लेखाना, ठीक है, इसको संथारा भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज संथारा, जो मैंने आपको बोला था, जस्ट अ मिनट, ओके, दिस इज नोन एज संथारा। ओके, सल्लेखाना या संथारा, ये वो स्टेज होता है लाइफ में जब इंसान बहुत बूढ़ा हो चुका होता है, मतलब नाउ इट इज देयर टाइम टू लीव दिस यू नो वर्ल्ड। तो वो इस टाइम पे क्या करते हैं, वो लाइफ के लास्ट स्टेजेस में आके अपना जो फूड इनटेक होता है या लिक्विड इनटेक होता है वो धीरे 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 कम करते हैं, और मतलब अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है, दैट इज नोन एज सल्लेखाना, ठीक है। सो सल्लेखाना, दी सल्लेखाना वाव इज ऑब्जर्व बाय जेन्स एट द एंड ऑफ देयर लाइफ, एंड इन दिस वाव देयर इज वॉलेंटरी एंड ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ फूड एंड लिक्विड इनटेक अंडर सम कंडीशंस, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि अचानक सब कुछ खाना बंद कर देंगे, नहीं, आज अगर वो फुल प्लेट खाना खा रहे कल वो हाफ प्लेट खाएंगे, उसके बाद उससे हाफ खाएंगे, मतलब लाइक दैट। सो दे ग्रेजुअली रिड्यूस देयर इनटेक ऑफ फूड एंड लिक्विड, ठीक है, और ये कुछ स्पेशल सर्कम कंडीशंस में होता है। वो कौन से कंडीशंस है? सीवियर फमाइन, जब मतलब बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया कहीं पे तब वो ऐसा करते हैं, ठीक है, या फिर इनक्यूरेबल डिसीज, अगर किसी को ऐसा बीमारी हो गया कि मतलब इट इज़ नॉट क्यूरेबल तब लोग ऐसा कर लेते हैं, बहुत बड़ी डिसेबिलिटी हो जाए तब ऐसा करते हैं, या फिर ओल्ड एज में आके ऐसा करते हैं। हियर यू कैन सी यू नो लाइक वन ऑफ द लेडी यू नो लाइक हु इज ऑब्जर्विंग संथारा, शी हैज ऑलरेडी ऑब्जर्व संथारा, यू आर सेइंग लॉट ऑफ पीपल आर फॉलोइंग, यू अंडरस्टैंडिंग लाइक दिस।
सो दिस इज संथारा और सले खाना, मतलब इसमें हम मतलब स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आके खाना पीना बंद कर देते, धीरे धीरे कम करते हैं ताकि हमारा मतलब नेचुरल डेथ हो, मतलब लाइक वी आर नॉट किलिंग ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट किलिंग आवर सेल्व्स, क्योंकि जैनिज्म में माना जाता है किसी को मारना ठीक है इज अ सिन, ठीक है किसी को भी हर्ट करना वो करना इज अ सिन, सो दे कैन नॉट बी किल्ड ऑल्सो लाइक दैट, सो दे जस्ट यू नो ग्रेजुअली रिड्यूस देयर फूड इनटेक, ठीक है। और जैनिज्म डिक्लाइन क्यों हुआ, व्हाई जैनिज्म डिक्लाइन, देयर वर फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ओके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक तो है विड्रॉयल ऑफ रॉयल पेट्रोनेज, रॉयल पेट्रोनेज धीरे धीरे कम हुआ, इसके वजह से डिक्लाइन हुआ, पेट्रोनाइज मतलब जो जो किंग्स क्वींस ये सब मतलब उन लोगों ने मतलब पेट्रोनाइज करना कम किया, बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन हुए जैन में छोटे 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 जिसके वजह से ये हुआ, ठीक है। एंड सक्सेस ऑफ हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, मतलब हिंदुइज्म जो ब्राह्मणिज्म है, ब्राह्मणिज्म में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो दूसरे रिलीजन के लोग या फिर मतलब लोग नहीं मानते थे, इसीलिए नया नया रिलीजन आया था, यू अंडरस्टैंडिंग, बुद्धिज्म केम, जैनिज्म केम, चार्वाक केम, आजीविका फिलोसफी केम, दे केम बिकॉज ऑफ यू नो सम ऑफ द रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, एनिमल सेक्रीफिशियल यू नो रिचुअल्स एसोसिएटेड विद ब्राह्मणिज्म। तो क्या है कि बाद में लोगों ने हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चलाया, मतलब हिंदुइज्म को रिफॉर्म किया ताकि वो प्रेजेंट सोसाइटी के साथ यू नो चल सके, सो इसके वजह से भी जैनिज्म डिक्लाइन हुआ, दीज वर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म, ओके। सो दैट्स ऑल दैट आई हैड टू डिस्कस विद यू टुडे, ओके। आई होप लाइक ऑल ऑफ इट वॉज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो इज दैट क्लियर, क्या सारी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को, गगनदीप? ओके थैंक यू सो मच। तो आप पढ़ा रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, मतलब बहुत ही मजा आ रहा है हिस्ट्री पढ़ने में, तो इतनी इंटरेस्टिंग हो गई है। बट सर हमारा एग्जाम अप्रैल में है, 12th ऑफ अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, तो सर मैं ये पूछना चाहता था एक्सपेक्टेड कब तक सिलेबस खत्म हो जाएगा हिस्ट्री का? बाय नेक्स्ट वीक आई विल बी एबल टू फिनिश एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, नेक्स्ट वीक में, मतलब आई थिंक लाइक आई विल नॉट बी हैविंग 5 क्लासेस विद यू, अगर 5 क्लासेस होती तो एंशिएंट हिस्ट्री फिनिश होता, बट आई विल बी हैविंग 3 क्लासेस नेक्स्ट वीक, एंड देर विल बी 2 क्लासेस फॉर पॉलिटी, ओके आपके लिए 2 शायद पॉलिटी की क्लास होंगी, एंड इट विल बी टेकन बाय ख्याति मैम, ओके शी विल बी टेकिंग 2 क्लासेस ऑफ पॉलिटी विद यू, आई विल बी टेकिंग 3 क्लासेस, आई विल ट्राई टू फिनिश एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है, मतलब ये है कि आई वॉन्ट टू फिनिश इन सच अ मैनर सो दैट लाइक यू नो यू अंडरस्टैंड ऑल्सो, क्या है ना कि मतलब थोड़ा सा बोल के बोल देना कि हो गया सो मतलब अल्टीमेटली वो समझ में नहीं आता है एंड यू फील कि सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका तो इतना अच्छा है कि बहुत ही मजा आ रहा है हिस्ट्री पढ़ने में, बट यही है ना कि हमारे पास टाइम कम है, अगर ये थोड़ा जल्दी शुरू होता इतना मजा आता ना, सारी चीजें एकदम ईजिली खत्म हो जाती। या सो आई विल ट्राई टू यू नो बी एफिशिएंट एंड आई विल ट्राई टू फिनिश यू नो द थिंग्स एज सून एज पॉसिबल, बट द थिंग इज आई विल कवर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ओके मैं मतलब आई एम नॉट गोइंग टू स्किप टॉपिक्स, वट एवर वी आर गोइंग टू कवर द थिंग्स। आदर्श ने पूछा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा सर, नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली लाइक इसमें 2 और रिलीजियस फिलॉसफी है, आई वांट टू डिस्कस विद यू, ठीक है, वो स्पेसिफिक आपके लूसेंट बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन वो भी जो है हेट्रोडॉक्स स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में आता है, ठीक है, हेट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी में आता है, सो उसमें है एक तो आजीविकास के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे चार्वाक फिलोसफी, एक ही क्लास में दोनों कवर अप हो जाएगा, ठीक है, मतलब लाइक नेक्स्ट क्लास में, ओके बोथ दी थिंग्स विल बी कवर्ड, सो दिस वीक आई विल बी हैविंग ओनली 3 क्लास, टुमारो बोथ दिस टॉपिक विल बी कवर्ड एंड विद दिस वी आर रिलीजियस फिलोसफीज विल बी ओवर, ठीक है। आदर्श इज दैट क्लियर? Okay, that's all right. Anyone else having any concern, any doubt, anything that you want to discuss or you want to ask? Okay, that's all right. So I think like, you know, that would be sufficient for the day. Okay, so we will continue the discussion tomorrow. Thank you so much everyone for joining this session. I hope you have a good day ahead. Okay, so with this, I'm concluding the session from my end. Okay, thank you everyone for joining the session. I'm just concluding the session from my end.